पाकिस्तान को नहीं मिलेगा भारत के हिस्से का पानी, सरकार ने शुरू की रोकने की प्रक्रिया। दोस्तों, भारत सरकार ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किए बिना पाकिस्तान में बहने वाले अतिरिक्त पानी को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है इंडिया के लिए। दोस्तों, भारत सरकार ने पाकिस्तान में बहने वाली नदियों के पानी को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के हिस्से का पानी काफ़ी मात्रा में पाकिस्तान जाता है। सिंधु जल संधि का उल्लंघन किए बिना हम पाकिस्तान जाने वाले उस पानी को किस तरह डाइवर्ट करके उसे अपने किसानों, उद्योग और लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में बहने वाले पानी को रोकने के लिए काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान जा रहा है, और मैं सिंधु संधि को तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब सिंधु नदी का जो भी संधि है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान को जा रहा था उसको रोकने की बात हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में कई स्टेट में पानी का जो लेवल है काफ़ी नीचे जा चुका है। मुद्दा यह है कि हम पाकिस्तान में बहने वाले अतिरिक्त पानी को कैसे रोक सकते हैं और कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। मंत्री ने कहा, हमारे जलाशय भरे हुए हैं लेकिन हम उस पानी को पाकिस्तान में जाने दे रहे हैं। अब तक हम इस पानी को रावी नदी की ओर मोड़ सकते हैं। बता दें कि दोस्तों, पुलवामा आतंकी हमले और पालाकोट आतंकी कैंप पर जवाबी कार्रवाई के बाद केंद्रीय मंत्री की ये टिप्पणी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के मुँह पर करारा जवाब। दोस्तों, हाल ही में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में कमी आई है। सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 और 35 को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान भारत के मौजूद अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया था, एम्बेसडर को। आइए जानते हैं क्या है सिंधु जल समझौता। 19 सितंबर 1960 में हुए सिंधु घाटी जल समझौते में 6 नदियाँ सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल है। सिंधु घाटी की इन 6 नदियों में कुल 168 मिलियन एकड़ पानी है। सिंधु जल समझौते के तहत इसमें 3 प्रमुख नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को जाता है। इन तीनों नदियों में सिंधु घाटी में कुल पानी का 80% लगभग 135 मिलियन एकड़ पानी बहता है। इसके अलावा 3 अन्य नदियां रावी, ब्यास, सतलुज का पानी भारत को मिलता है। इन नदियों में सिंधु घाटी के कुल पानी का 20% लगभग 33 मिलियन एकड़ पानी ही बहता है। दोस्तों, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है, कहाँ 80%, कहाँ 20%। दोस्तों, कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। भारत अपने हिस्से की 3 नदियों से मिलने वाले पानी का अधिकतम 95% हिस्सा इस्तेमाल कर पाता है। बचा हुआ पानी लगभग 5% बहकर पाकिस्तान चला जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत के पास इस बचे हुए पानी को रोकने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब प्लान बन चुका है। दोस्तों, आपको मेरा ये एफर्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।